भारत के सबसे डरावने होटल जुड़ी हैं रहस्यमय कहानियाँ। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान बहुत से आलीशान भवनों और होटल्स का निर्माण करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल बड़े ब्रिटिश अधिकारियों और वायसराय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इंग्लैंड से भारत घूमने आए अंग्रेज भी इन्हीं भवनों में रुका करते थे, लेकिन वे भवन और होटल्स आज भी अपनी जगह मौजूद हैं। बहुत से भवनों को हेरिटेज घोषित कर दिया गया, जबकि कुछ होटल खंडर में तब्दील हो गए। माना जाता है कि उस दौरान बनाए गए बहुत से होटल आज अपनी खूबसूरती से ज्यादा डरावने अनुभवों के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि इन होटल्स में भूत प्रेतों का साया है। आज हमारे साथ जानिए भारत में मौजूद उन पुराने भवनों और होटल्स के बारे में जो अब भटकती आत्माओं का अड्डा बन चुके हैं। मॉर्गन हाउस, पश्चिम बंगाल। मॉर्गन हाउस पश्चिम बंगाल में कोलिमपोंग नामक हिल स्टेशन पर स्थित है। इस होटल की संरचना कुछ ऑस्कर वाइल्ड की प्रसिद्ध किताब द कैंटरविले घोस्ट के महल से बहुत हद तक मेल खाती है। यह होटल भारत में अंग्रेजी शासक के दौरान बनाया गया था। यह होटल जितना पुराना होता गया, इससे रहस्यमय कहानियां जुड़ती चली गईं। जानकारों का मानना है कि इस होटल पर किसी भटकती आत्मा का साया है। यहां रुकने पर सैलानी अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत कर चुके हैं। यह बंगला 1930 में जॉर्ज मॉर्गन द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उनकी पत्नी लेडी मॉर्गन की मृत्यु के बाद यह बंगला वीरान हो गया। माना जाता है कि यहाँ लेडी मॉर्गन की आत्मा भटकती है। रात के दौरान यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी जा सकती हैं। ब्रिजराज भवन, कोटा। ब्रिजराज भवन राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। इस होटल का इतिहास भी भारत के अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। इस भवन में कभी मेजर चार्ल्स वर्टन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी रहा करता था, जिससे इस भवन की रहस्यमय कहानी जुड़ी है। इसका भवन निर्माण 19वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, जिसके बाद यह एक होटल में तब्दील कर दिया गया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ये होटल काफी अच्छी अवस्था में है, लेकिन समय के साथ साथ इस होटल में कई रहस्यमय कहानियां जुड़ती चली गई। माना जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान चार्ल्स वर्टन और उनके परिवार की इसी होटल में हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ आज भी मेजर का भूत भटकता है। जानकारों का मानना है कि यहाँ आधी रात के दौरान अनहोनियाँ घटती रहती हैं।